गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड टुडेज अवर टॉपिक इज गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन। ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन। फर्स्ट देखो, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ठीक है, और टैक्सेशन क्या होता है। गवर्नमेंट बजट वो चीज होता है जो कि गवर्नमेंट एक बजट बनाती है हमारे कंट्री के लिए, ठीक है। जो भी इनकम उनको आता है, मेन सोर्स जो रहता है गवर्नमेंट का, मेन इनकम सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से मिलता है उनको, टैक्स से मिलता है। ओके, सो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द मॉडर्न एज, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। दिस इंक्लूड प्रोटेक्टिंग द कंट्री अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक एंड मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ विद इन द कंट्री, ठीक है। विद इन कंट्री के में जो चीज अपन मेंटेन करते हैं विद इन द हेल्प ऑफ पुलिस फोर्स, ठीक है, जो कि अपन पुलिस फोर्स के थ्रू जो है उसको मेंटेन करते हैं। अनदर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइडेड पब्लिक फैसिलिटी। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का कि पब्लिक लोग को जो है फैसिलिटी प्रोवाइड। म्यूट करेंगे सब लोग अपना माइक। दिस इंक्लूड, देखो अभी बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, ताकि लोग जो एक्सटर्नल और दूसरे जो कंट्री के लोग है अपने ऊपर अटैक ना कर सके, इसके कारण कुछ रूल्स और रेगुलेशन मेंटेन करते हैं। दूसरा है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फैसिलिटी अपन को प्रोवाइड कराती है। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस दे आर सेट अप दे कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन, ठीक है। वो क्या करती है, यूज करती है, हर एक लोगों के लिए जो है उसको यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई टू एन एरिया, अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं अलग अलग एरिया में, तो ये बेनिफिट जो है वहाँ के पीपल लोग को ही मिलता है। इट मीन्स द फार्मर कैन ऑपरेट हिज पंप सेट द इरीगेशन, जैसे अलग अलग लोगों के लिए, जैसे फार्मर है, फैक्ट्रीज है, ऑफिस है, शॉप्स है, ठीक है, हाउस होल्ड है, तो ये सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग तरीके से जो उसको यूज करते हैं। द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू एंश्योर दैट नो सिटीजन इज डिप्रिव्ड ऑफ द यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। कोई भी जो है पब्लिक फैसिलिटी जो कोई भी जो है पब्लिक फैसिलिटी से वंचित ना हो जाए। डिप्रेव्ड का मतलब क्या, वंचित हो जाना, कोई भी सिटीजन ऐसा ना हो जो कि पब्लिक जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है उससे वंचित रह जाए, क्योंकि जो भी वो बनाती है वो पब्लिक के ही पैसे से ही बनता है, क्योंकि पब्लिक उनको क्या देती है, टैक्स देती है। द गवर्नमेंट शुड बी एंश्योर There are to make this responsible, the cost of the facility should be minimal within the buying power of the people. ठीक है, buying power जो है वो people का हो जाता है। Only then can they enjoy the pay for this facility, और वो जो है उस facility के लिए ही pay करता है। समझ में आ रहा है ना मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ students? समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट, टेक आउट योर नेक्स्ट पेज, माई फोन इज हैंगिंग। ओके, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए। सो यू मे टू हर्ड अबाउट द राइट टू टू वर्क एंड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ठीक है। आप लोग ने जो है मनरेगा के बारे में सुना होगा। ये मनरेगा क्या होता है? मनरेगा जो है वो एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है ऐसे एम्प्लॉयमेंट, ऐसे फैमिली को
जिनको काम की डिमांड होती है, काम की जरूरत होती है, तो उनको 150 डेज के लिए उनको गवर्नमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, जिसको मनरेगा बोला जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये गांव में सबसे ज्यादा जो है ये प्रोवाइड की जाती है। दिस वर्क हैज टू बीन एन एरिया वेयर द पीपल डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट लीव एंड द गवर्नमेंट शुड बी कैपिटल कॉस्ट एंड लेबर वेजेस ऑफ द वर्कर। जो भी वो उसमें काम करते हैं, जो भी काम कराती है गवर्नमेंट, उनको उनका कैपिटल, उनका लेबर वेजेस उनको दी जाती है। मेनी सोशली यूजफुली प्रोजेक्ट सच एज चेक डैम, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, रोड, पॉन्ड एक्सेट्रा कैन बी अंडरटेकन टू क्रिएट एसेट इन रूरल एरियाज बाय गारंटी एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। इन द सेम वे द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एंश्योर फूड सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है, वो फूड सिक्योरिटी प्ले करती है। यू विल लर्न अबाउट द एक्शन इट अंडरटेक द चैप्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी, जो कि हमने फूड सिक्योरिटी चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट अवर सॉरी दिस इज अनदर पेज। ओके, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग हेवी इंडस्ट्री। ये गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारी जो हम जो प्रोडक्शन जितने बोलते हैं, जिस भी कंट्री का प्रोडक्शन अगर अच्छा हो, उस कंट्री का उस कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होता है। अगर आप देखोगे हमारा पास्ट, अगर हिस्ट्री अगर देखते हैं, तो जर्मनी जर्मन जो आपका रशियन है, रशियन भी सबसे पहले आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने सबसे ज्यादा जो है इंडस्ट्री का ही डिमांड किया था, है ना। इंडस्ट्री का डिमांड करने के बाद इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया था, जिसके कारण जो है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही जल्दी रफ्तार बढ़ी है। ठीक है, सो सच एज हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज। विदाउट दिस बेसिक इंडस्ट्री इट वुड हैव बी डिफिकल्ट टू इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए डिफिकल्टीज आती है इंडस्ट्री के थ्रू, क्योंकि इंडस्ट्री जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो किस तरीके से बाकी कंट्री को जो है वो सर्वाइव कराएंगी। ठीक है, ताकि वो बाकी जो स्टेट उस कंट्री को जो है सर्वाइव कराएंगी, और साथ ही साथ जो है किस तरीके से जो है वो वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अवर कंट्री। फार्मर प्रोडक्शन, जो फार्मर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो फार्म प्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। टू हैज इंक्रीज ओनली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज एंड द इन्वेस्टमेंट मेड इन डेवलपिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट रेगुलरेटरी फंक्शन। ठीक है, जो गवर्नमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट रेगुलरिटी फंक्शन को जो है फंक्शन करती है, जिसको अपन रेगुलेटरी फंक्शन बोलते हैं। इन एक्ट इट इनैक्ट लॉ टू कंट्रोल द रेगुलेट ट्रेड। ठीक है, रेगुलेट ट्रेड को जो है उसको इनैक्ट कराती है। फॉर एग्जाम्पल द पैकेज फूड यू बाई कैरीज एनफैसी स्टैम्प। ठीक है, आप देखोगे किस तरीके से रेगुलेट फंक्शन, मतलब रेगुलेटरी इंडस्ट्री है, रेगुलेट ट्रेड जो है किस तरीके से कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया, जो भी आप फूड खाते हो उसके पैकेट में देखना फैसी FSSAI करके लिखा होगा, वो उसका मतलब ये सिक्योरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के थ्रू उस खाने को जो है स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया है कि हाँ ये खाने के लिए अब ये रेडी है। ओके, सो दिस आर द कंट्रोल, ये सारी सिचुएशन कौन कंट्रोल करते हैं, हमारी इंडिया के कुछ अथॉरिटी करती है। इट मीन्स पैसे इज द आंसरेबल फॉर पब्लिक। अगर मान के चलो अगर किसी भी ऐसे पैकेट को वो अगर इंक्लूड कर देती है, ऐसे पैकेट को वो इन्वॉल्व कर देती है कि हाँ ये खाने लायक है, और बाद में उस खाने के बाद जो है लोगों को परेशानियां हो रही है, उनको बीमारी हो रही है, उनको कुछ डिजीज हो जा रही है, तो क्या होता है वहां पे, फिर वो पैसे जो है वहां पे एबल टू आंसरेबल। ठीक है, उस टाइम पे वो लोगों को, ह्यूमन लोग को आंसर देगा, पब्लिक लोग को आंसर देगा। देन दिस लॉ आर इनेक्टेड टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरर स्टोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ फूड स्टफ टू
एंश्योर इट्स क्वालिटी. द फैजी ऑल्सो सेट अंडरस्टैंड स्टैंड फॉर द प्रिजर्वेटिव यूज इन वेरियस प्रोसेस्ड फूड सच एज चिप्स, नूडल्स, फ्रूट्स, जूस एंड सॉफ्ट ड्रिंक. ठीक है, ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो कि लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ खाने के लिए उनको मिलता है, जैसे कि चिप्स है, नूडल्स है, फ्रूट जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक है. ये भी सारा जो इसकी क्वालिटी खाने लायक है कि नहीं है, ये भी सारी अथॉरिटी चेक करती है. द रेगुलेटरी बॉडी पीरियडिकल टेस्ट सैंपल ऑफ फूड स्टफ सोल्ड इन द मार्केट टू द एंश्योर दैट द गाइडलाइन ऑफ बींग फॉलोड, ताकि जो गाइडलाइन है वो फॉलोड हो रहे हैं कि नहीं, वो सारे चेक करती हैं. नेक्स्ट है आपका, देयर आर मेनी अदर एरिया देयर आर गवर्नमेंट प्ले एंड रेगुलेटरी रोल. ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे गवर्नमेंट रोल जो रेगुलेटरी तौर पे प्ले करती है, वहाँ पे देख रेख करती है. यू लर्न अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जरूर सुना होगा. उसमें भी जो है रेगुलेटरी फंक्शन चलता है. यहाँ पे जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो पूरे किसके अंडर में रहते हैं, आरबीआई के अंडर में आते हैं. इट मीन्स कि जितने भी बैंक का लेन देन जो भी रहेगा, क्रेडिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, रूल्स, रेगुलेशन, वो सारे कौन करता है, वो गवर्नमेंट ही करता, आरबीआई ही करती है, बैंक का. ठीक है, बाकी सारे के अलग अलग, सारे चीजों का अलग अलग रेगुलेटरी फर्म है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, गवर्नमेंट बजट. द बजट हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज टू अंडरटेक मेनी एक्टिविटीज, सम ऑफ विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जो कि हम अर्लियर डिस्कस करते हैं. इट नीड टू कलेक्ट द स्पेंड मनी टू डू दिस एक्टिविटी. ठीक है, उसको एक्टिविटी, उस चीजों को एक्टिविटी कराने के, इट नीड कलेक्ट स्पेंड मनी टू डू दिस एक्टिविटी. द मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस एक्टिविटी इज कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. द गवर्नमेंट लिवाइज मेनी काइंड ऑफ द टैक्सेस. देखो बहुत सारे टैक्सेस जो है हमको पे करने होते हैं गवर्नमेंट को. सबसे पहला दो टैक्सेस में बटी हुई है हमारी जो गवर्नमेंट बजट, जो भी टैक्सेशन होते हैं, दो टैक्सेशन में बटी हुई है. एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी बजट पेश करती है ना, वो जो भी कलेक्ट होता है टैक्स पब्लिक लोग से, उसी के ही पैसे से सारे जितने भी रेवेन्यू होते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो उसी में से ही होते हैं. द गवर्नमेंट नीड रेवेन्यू. उनको रेवेन्यू की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम. इनकम की जरूरत होती है ताकि वो एक्सपेंस कर सके. ठीक है, अब अगर अगर हमको अपने कंट्री के लिए एक सैटेलाइट फिक्स करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम पैसा, हम जो है अकेले वो वियर नहीं कर सकते हैं ना, हम उसको उसको नहीं लाइबल कर सकते हैं. लेकिन अगर ये सारे कंट्री मिलके थोड़ा थोड़ा टैक्स अगर हम देते हैं, तो गवर्नमेंट के पास एक ह्यूज अमाउंट आता है. तो वो क्या कर सकती है, वो साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी, अपने टेक्नोलॉजी स्टाफ है, या फिर जो अपने साइंटिफिक साइंस वाले जो लोग हैं, उनको जाके, वो साइंटिस्ट लोग को जो है जाके वो दे देते हैं, और उससे जो है सैटेलाइट वगैरह बनाई जाती है. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये रेवेन्यू जो उनको मिला, जो हमसे टैक्स मिला उनको, वो जाके क्या कर रही है, उसको उपयोग कर रही है, उसको यूटिलाइज कर रही है, ताकि हमारे कंट्री अपडेट हो सके. ठीक है, वैसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम भी होते हैं हमारे इंडिया में. ठीक है, ऐसा तो नहीं एक बार कंट्री में एक बार अगर वो बन गया, मतलब रेलवे, ब्रिज, देन रोड, ठीक है, हॉस्पिटल, ये सारे बन जाते, तो ऐसा तो नहीं है कि दोबारा बनते नहीं है. ठीक है, वो हर साल कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं इतने ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं. ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो डेवलप होते जा रही है. सो द गवर्नमेंट नीड द रेवेन्यू. तो उसके लिए उनको रेवेन्यू उनको चाहिए रहता है, ताकि वो एक्सपेंस कर सके. ठीक है, द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड अ बजट. जो भी रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट, या कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, वो बजट के थ्रू ही होता है. जो भी अपन, कोई भी अपन इनकम अगर अर्न करते हैं ना, हम एक बजट सेट करके रहता है. आप ही सोचो ना, जब भी अगर मान के चलो हमारे हमारे घर पे कोई भी, अगर पापा हो, मम्मी हो, कुछ भी इनकम करके लेके आती है, तो वो सबसे पहले बजट सेट करती है कि मेरे को इतना पैसा एजुकेशन में देना है बच्चों के, इतने पैसे हमारे फूड एंड बेवरेज में रहेंगे, इतने पैसे जो हमारे क्लोथ्स में रहेंगे, इतने जो है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए, सारे एक बजट सेट होके रहते हैं. ठीक है, वैसे ही सेम प्रोसीजर जो है हमारी कंट्री की भी होती है, लेकिन कंट्री की जो है अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर होती है.
बहुत सारे एक्सपेंडिचर होती है, उनको बहुत सारे जगह पे जो है एक्सपेंस करने होते हैं, ठीक है। एक रेगुलेटरी फॉर्म बनाए हैं, उनके अंदर आपको फूड और बेवरेज का ध्यान रखना है। एक ऐसा कमिटी बनाया है जहाँ पे लॉ कानून को देख रहा है, ठीक है। ऐसा एक बना जो डिफेंस को देख रहे हैं, एक ऐसा कानून बनाया है जो कि टैक्स वगैरह को देख रहे हैं, सही तरीके से सब लोग टैक्स पे कर रहे कि नहीं कर रहे। बैंक की अथॉरिटी जो है वो RBI को दी गई, तो वो भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो एक्सपेंसेस जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो करती है, तो उसके लिए भी उनको रेवेन्यू की जरूरत होती है। तो व्हाट आर द एक्सपेंडिचर, क्या क्या वो बजट में क्या क्या डिटेल रहता है। फर्स्ट है हाउ मच मनी द गवर्नमेंट प्लान टू स्पेंड, ठीक है। सबसे पहला है कि कितना जो है मतलब गवर्नमेंट जो है स्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट सोची है। दूसरा है डिटेल ऑफ द अमाउंट टू मनी टू बी गिवन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कवर ऑफ द एक्सपेंडिचर, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे किस टाइप के, जैसे एजुकेशन हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारों के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही है। डिफरेंट टैक्स टू बी लेवाइड एंड द अमाउंट टू बी एलोकेटेड अंडर ईच टैक्स, इट ऑल्सो इंडिकेट द चार्जेस इफ एनी मेड इन द रेट ऑफ द डिफरेंट टैक्सेस, ठीक है, जिसके कारण डिफरेंट टैक्सेस जो है वो बोरोइंग होते हैं। हाउ मच मनी द गवर्नमेंट वुड हैव टू बोरो इफ इट इज एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट द रेवेन्यू, अगर गवर्नमेंट किस तरीके से वो मनी को बोरो करेगी अगर रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रही है, तो मतलब इनकम से ज्यादा हम कभी कभी होता है ना घर पे भी कि जितने का इनकम नहीं उतना ज्यादा जो है हम एक्सपेंस कर देते हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या प्लान करके रखी है, वो सारा चीज जो है बजट में पेश होता है। द डिटेल ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द 2016 एंड 17 बजट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट दैट आर गिवन बिलो विल बी हेल्प यू गेन सम आइडिया ऑफ व्हाट अ बजट इज। सी हियर इज द विधानसभा, अवर छत्तीसगढ़ विधानसभा एरिया, यू कैन सी इट। यहाँ पे भी एक बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सेशन में आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो है यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कुछ प्रोपोज्ड प्रोविजंस जो है छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं। टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 2016 एंड 17 में 70,000 करोड़ का जो है बजट पेश हुआ था, ठीक है। 2016 और 17 में 62,000 करोड़ का जो एजुकेशन मतलब रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था लोगों से, ठीक है, मतलब टैक्स रेवेन्यू जो है उनको मिला था गवर्नमेंट को। द अमाउंट डिसबर्स्ड इन, यहाँ पर अमाउंट जो है यहाँ पे डिसबर्स्ड हो चुका है, मतलब उतना ज्यादा क्लियर उतना ज्यादा नहीं पता है। तो एक एसेशन रखा है कि एजुकेशन, रोड एंड ब्रिज, पेंशन एंड देखो पेंशन भी एक चीज है, ठीक है। हम जो है जो भी कंट्री के लोग पेंशन के अंडर में अगर होते हैं तो वो क्या करते हैं, हर साल में या महीने में कुछ ना कुछ वो पेंशन के लिए, ताकि बुढ़ापे में वो पैसे उनके काम आ सके। तो वो पेंशन की भी जो देख रेख रहता है ना वो गवर्नमेंट की होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब एट द टाइम ऑफ एज लिमिट जो 60 के बाद जो रिटायर हो जाते हैं इन लोग, उसके बाद उनको पेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो हियर इज द थिंग। देन आफ्टर पब्लिक हेल्थ हैव बीन इंक्रीज्ड व्हाइल द अमाउंट डिसबर्स्ड फॉर फूड एंड वेयर हाउसिंग हैज बीन कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, तो इसके कारण जो है वेयर हाउसिंग, यहाँ पे जो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, गोडाउन वगैरह जो है उस टाइम पे रिड्यूस कर दिया गया था। देन आफ्टर द सेल्स का टैक्स कलेक्शन ऑफ 2016 एंड 17 इज एस्टिमेट एट 12,000 करोड़, ठीक है। जो सेल्स टैक्स कलेक्शन हुआ था 2016 और 17 में वो 12,000 करोड़ के हुए थे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। द गवर्नमेंट प्रिपेयर द प्रेजेंट द बजट बट द विधानसभा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अप्रूविंग इट, ठीक है। विधानसभा और जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है विधानसभा में, जो कि बहुत ही अप्रूविंग तरीके से ही उसको फाइनलाइज किया जाता है। कीजिए ना, आप दूसरे पेज का पढ़ा रहे हैं ना। हाँ हाँ बेटा, ये दूसरा पेज। हाँ, वेट 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 वेट, आप लोगों के पास बुक नहीं है क्या? है मैम। तो फिर अपना बुक को ओपन कर लो ना, ओके मैम। बुक को ओपन कर लो आप लोग, सिंपल।
गवर्नमेंट प्रिपेयर द प्रेजेंट द बजट पर द विधानसभा, ठीक है। विधानसभा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जब यहाँ पे बजट लेके आते हैं उसके लिए बहुत सारे लोगों से अप्रूविंग लेनी होती है, ठीक है, मतलब सहमति लेनी होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिपुलेट्स दैट द सेंट्रल बजट शुड बी प्रेजेंटेड टू द पास बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। जो भी सेंट्रल बजट अपन बनाते हैं, सेंट्रल बजट का मतलब जो दिल्ली में बनता है, ठीक है, पार्लियामेंट में जो बनता है वहां पे सबसे पहले पार्लियामेंट से हर एक लोगों से साइंड होता है कि अभी जो है इस सेशन में, इस मंथ में, इस तारीख में जो है बजट पेश की जाएगी। द स्टेट बजट शुड बी प्रेजेंटेड टू द पास बाय द रेस्पेक्टिव विधानसभा। जिस तरीके से जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में उनकी सहमति होना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल बजट में, उसी तरीके से अगर हम स्टेट बजट करवाते हैं उसमें विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं उनकी सहमति होना, उनका अप्रूविंग होना बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैव टू गेट द अप्रूवल फॉर द पार्लियामेंट और विधानसभा फॉर ऑल द टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। जितने भी एक्सपेंडिचर और टैक्सेस हमको मिले हैं उसका पूरा अप्रूवल लेटर जो है पार्लियामेंट या फिर विधानसभा को प्रेजेंट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ द बजट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ अवर कंट्री इज अ डेमोक्रेसी इन विच द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का वो डेमोक्रेटिक तौर पे जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है इसका पावर उनके साथ रहता है, मतलब तो उनके पास रहता है कि जो भी बजट पेश करता है वो सारे लोगों के कंसर्न के बिना, सारे लोगों के सहमति के बिना जो है कोई भी डिसीजन या कोई भी पावर जो है उसमें नहीं ले सकती है। दे वुड लाइक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। वो चाहती है जो भी अगेंस्ट होती है ना, जो भी पार्टी, जैसे अभी बीजेपी है, नहीं अपने अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है ना, तो कांग्रेस जो भी बजट पेश करेगी ना तो उसका जो है टैक्स कितना मिला है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, सबको एक एक कॉपी ना विधानसभा के जितने भी मेंबर है सबको जाएगा। तो उसमें अलग अलग पार्टियां होती है, तो वो पार्टी ना उनके उनसे क्वेश्चनिंग करती है, ठीक है, क्वेरीज करती है कि आपने कितना, इतना जो रेवेन्यू आया आपने इसका कितना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हमको अगर दिखता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखता है तो फिर वो क्वेश्चनिंग करते हैं कि यहाँ पर इतना लगना चाहिए था बट इन्होंने इतना ज्यादा इसको बताया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, मतलब वहाँ पर एक तरीके से बोलते हैं बहुत ही ज्यादा डिस्कशन की जाती है, बहस होती है, ठीक है, बहुत ही डिबेट होता है लोगों के बीच। तो एक तरीके से वहां पे बजट ऐसे ही पेश होता है। देन आफ्टर दे वुड लाइक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द, वो चाहते हैं, कोई भी चाहता है, ठीक है, कि जो भी पब्लिक से रेवेन्यू आ रहा है वो सही तरीके से उस रेवेन्यू को यूटिलाइज करे, ठीक है, पब्लिक लोग के लिए। द गवर्नमेंट शुड द आंसरेबल, द गवर्नमेंट है वो आंसरेबल रहती है पब्लिक लोग के लिए कि जो भी आप बजट पेश कर रहे हैं वो सही तरीके से करे और लोगों के कल्याण, वेलफेयर के लिए करे। द बजट इज मिरर ऑफ द गवर्नमेंट प्लान एंड थिंकिंग, हेंस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नीड टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू परस्यू द पाथ ऑफ दैट गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड डज नॉट स्ट्रे फ्रॉम दिस गोल, ठीक है। द पार्लियामेंट्री बजट सेशन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। द बजट इज डिस्कस्ड एट लेंथ ओवर सेवरल डेज बिफोर इट इज अप्रूव्ड। द पोजिशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस बाय द डेब्यूटिंग, ठीक है। बहुत सारे प्रोसीजर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जो है प्ले होती है और बहुत ज्यादा डिबेट होती है, एनालाइज होती है, लोग सजेशन भी करते हैं इस बजट में, ठीक है। द कॉमन पीपल कैन ऑल्सो डायरेक्टली डिमांडेड द गवर्नमेंट आंसरेबल। यहाँ पे कॉमन पीपल जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो है डिमांड करती है कि उनका जो भी बजट हो रहा है उनको पेश किया जाए उनके सामने। तो सारी चीजें जो है हमको टीवी में, टेलीविजन में जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर आपके विधानसभा में पूरा दिखाया जाता है, ठीक है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, टेलीविजन में जो न्यूज़ चलते हैं, चैनल्स चलते हैं, इनके थ्रू जो है हमको पूरा पता चलता है कि विधानसभा में जो बजट पेश हुआ है वो कौन किस तरीके से हुआ है। तो इस तरीके से जो है पूरा बजट सेशन चलता है। सो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द बजट प्रोसेस। ओके, किस तरीके से पब्लिक जो है इस बजट में पार्टिसिपेट करती है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम।
यस ओके मैम, नाउ थैंक क्लास इज ओवर। यू मैम, थैंक यू मैम. ओके वेलकम वेलकम वेलकम।